Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing well. So today is a Saturday. दे दो गोभी भैया, इतनी सी बनी, इतनी सी लेमन टी से तो कुछ नहीं होगा. सो मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ कैफे, मतलब आई थी, मैं बिल्कुल चली गई थी, मुझे कुछ काम था तो मुझे चंडीगढ़ जाना था किसी काम से, जो कि काफ़ी टाइम से मेरा स्टक हुआ रखा था, हो नहीं रहा था काम. सो आज मैंने वो कंप्लीट कर दिया. सो अंजलि थी कैफे में, आई थी 4:30 के अराउंड आई, तो अभी मैं घर गई और थोड़ा फ्रेशन अप हुई, फिर आई मैं. अभी लेमन टी पीऊँगी, इसके लिए अम्ब्रेला लाना, अभी हमने यहाँ पे पास वाली मार्केट में जाना है. और सो यही है. और ब्लॉग आजकल मतलब पता नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा बिजी भी हूँ. एंड सो आज मैंने वैसे ब्लॉग एक अपलोड कर लिया, तो अभी मैं लेमन टी पीऊँगी, उसके बाद जाते हैं अंजलि के लिए अम्ब्रेला लेने. ₹500 लेके आई मैं, सिर्फ 500, इसके सिर्फ एक खर्चा लेके चली हूँ मैं. इससे अगर ज़्यादा हो तो मैं नहीं लूँगी तेल छाता, ठीक है. हम जाएंगे कोरियन स्टोर, आई थिंक मैंने वहाँ पे देख रखे थे अम्ब्रेला, तो वहीं पे जाते हैं. अगर वहाँ पे नहीं हुए तो हम कहीं और जाएंगे, राइट. नमस्ते आंटी. बेटा आंटी को नमस्ते कर दो. बेटा पहुंच गए. तो हमने अंजलि के लिए बहुत ही प्रिटी अम्ब्रेला ले लिया है. कौन ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर का है ना, और बहुत ही सस्ती मिली हमें. 280 मैंने 250 में करवाई, 300 समथिंग, 250, 280 से 250. तो अब हमने कुछ खाना था नहीं बाहर का, मोमोज खाए थे ना, क्योंकि आज हमने फ्राइड मोमोज खाए थे अपने ही कैफे के. हमारी छोटी सी शॉपिंग हो गई है डन, और आज होता हमारा बाहर का खाने वाला दिन, तो हमने फ्राइड मोमोज खा लिए हैं अपने ही कैफ़े में, और खाना हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और मेरी कॉफ़ी भी मैंने पी ली है CBTL से, विच इज़ माय फेवरेट. और सो या अभी हम जा रहे हैं अपने कैफे. तू भी आई लेटी है क्या, क्या करना चाहते हैं घर पे ना, तो देखते हैं क्या पता चलेगा. सो गाइस 10:15 हो गए हैं, यहाँ पे तो कुछ ऑर्डर आए ही हैं स्विगी से, ऑर्डर हमारे आइसक्रीम के 1, 2, 3, 4 पैकेट मैंने रेडी कर लिए, बस आते होंगे राइडर्स. सो गाइस अभी 5 मिनट रह गए हैं 11 बजने को, और मैं बैठी हूँ कैफे के बाहर. अभी कुछ ऑर्डर आए थे वो लगा लिए हैं, एंड गोपी भैया सामान वगैरह सारा एडजस्ट कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत हंस रहे हैं गोपी भैया मेरी बातें सुन के, तो वो सामान वगैरह सही कर रहा है जो भी होता है रॉ मटेरियल वगैरह. एंड मैं बैठी हूँ बाहर, एंड आजकल ना खुली बाहर छोड़ने का मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी. मुझे यहाँ पे रह के चढ़ने के इतने साल हो गए, बट कभी रियलाइज़ नहीं हो, बिकॉज़ क्या होता था घर पर भी AC और ऑफिस भी, मतलब ऑफिस जाते थे तो वहीं से काम करते थे, तो अभी ये हो गया कि यहाँ पे बैठते हैं. AC वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया, आप लोगों को जैसे पता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, तो इससे थोड़ा शक्ल में भी असर पड़ गया, काली होगी मैं थोड़ी, और बालों का भी सत्यानाश हो गया, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो मतलब ऐसे अभी भी मैं लाइक शाम को मैंने हेड वॉश करा था, तो मैंने इतने प्यार से बाल बनाए थे, और अभी सारा वैसे टेढ़े मेढ़े हो गए. सो बस मैं सीरियसली, मुझे सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट इस बार से मुझे सर्दियों का बहुत ज़्यादा वेट है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर लाइक विंटर, कि कब विंटर आए, कब मैं अपने बालों को अच्छे से कर्ल करूँगी, ऐसे अच्छे रखूँगी, और कब अच्छे कपड़े पहनूँगी. सो या आई एम रियली वेटिंग फॉर विंटर. और आज बाहर का मैंने पहले बोल दिया कि मैंने कॉफ़ी पी थी, और फिर वो कुरकुरे मोमोज खाए थे, देन अभी घर पर खाना बना है, विच इज़ माई फेवरेट, ब्लैक चना और राइस एंड
सो यस, मुझे याद है कि हरी मिर्च लेनी थी। हरी मिर्च की मुझे इतनी आदत हो गई है, हम खाने भी हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करते हैं और मैं हरी मिर्च लेना भूल गई हूँ। तो आपकी बात मैं कुछ और कर रही थी, गोपी भैया बोल रहे क्या मेरी गला कर रहे थे। 11:30 हो गए हैं, मैं अभी जस्ट घर पहुँची, थोड़ा लेट हो गई, कुछ एक ऑर्डर आए थे फिर वो लगा के अभी आई हूँ और चेंज करती हूँ, अंजलि को उठाती हूँ, गाने बजाती हूँ ज़ोर से, क्योंकि आज सैटरडे, कल तो थोड़ा लेट ओपन करता है, सो यहाँ मैं म्यूज़िक बजाती हूँ। आज मैंने पहनी थी चप्पल जो कि मैंने यहीं से लोकल मार्केट से लाई थी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पता नहीं कितनी चलेगी बट बहुत अच्छी है। और एक मैसेज मुझे आया था किसी का कि आप शॉर्ट ना बहुत ज़्यादा पहनते हो और आपकी जो शॉर्ट की कलेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो मैं आपको बता दूँ मुझे शॉर्ट पहनने की लाइक आदत जो है कब से पड़ी, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो पहले मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था, अब मेरा वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे कब से ना जैसे हमको मतलब शॉर्ट पहन के ज़्यादा जाना पड़ता था, तो मुझे आदत हो गई और शॉर्ट थोड़ी मेरी चॉइस थोड़ी ऐसी है कि मतलब थोड़े कैसे बताऊँ मैं, थोड़े डिसेंट कलर लाइक ऐसे वाले कलर मुझे पसंद है। और ये वाली जो शर्ट और एक और पिंक टाइप में शर्ट है वो मैंने ली थी अमेरिकन ईगल से, बहुत ही अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छी मुझे रीजनेबल प्राइस में मिली थी। और एक ब्लू कलर की शर्ट है, उसमें मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, तो या वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, ऑफलाइन मैंने कुछ एक शर्ट ऑर्डर करी थी, मैं ली थी। सो या इसलिए मुझे, और मुझे शर्ट पहन के ना बड़ा कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा लगता है। सो यस, एंड सो अब मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाती रहूँ, क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लॉग देखते ही देखते, तो मैं भी बनाऊँगी, मुझे भी अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, बट ये कि बीच में कभी टाइम नहीं मिल पाता इसलिए। अंजलि, ओ अंजलि, ओ तूने तो बोला था सुन सुन, ओ सुन, तूने तो बोला था डांस करेंगे ए? गाइस मैंने इतना डांस कर लिया ना, 30 मिनट हो गए, ये उठ ही नहीं रही, उठ जा बोलो इसको, किसी अजीब नाचने के नाम। गाइस इतना सारा डांस कर लिया मैंने, बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं किया, देखो मैं किनौरी डांस कर रही थी, क्योंकि किनौरी और जो हमारा रोड का कल्चर है स्पेशली मेरे गांव का, किनौर के साथ ही लगता है हमारा जो जांगलिक विलेज है, तो हमारे थोड़े थोड़े जो रीति रिवाज है उनसे मिलते हैं, हमारे जो गाने हैं हम स्पेशली उनके ही गाने हमारे शादी वगैरह में बजते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है और जैसे मैं आई तो अंजलि के साथ थोड़ा टाइम पास करा और थोड़ा सा डांस करा, इसने तो बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद मैंने खाना खाया, देन पहले नहाया फिर खाना खाया, उसके बाद लैपटॉप का अच्छे से क्लीन किया, काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे ही मैं अच्छे से उसको क्लीन नहीं किया था, तो वो सारा करके अभी एंड कपड़े वगैरह मैं बेडशीट वगैरह कल ही वॉश करेंगे मॉर्निंग में, एंड अभी मैंने स्टीम वगैरह ले ली है। सो मैगी लेके आई थी मैंने सोचा था कि मैगी बनाएंगे, तो मैंने खाना खा लिया, भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा मैगी वगैरह खाने का और ना ही मैंने कोक पिया, कोक तो शायद मैं थोड़ी देर पी सकती हूँ बिकॉज अभी मैं थोड़ी देर में ही सोऊंगी, तब तक कुछ देख लेती हूँ। एंड सो या गाइस अभी के लिए इतना ही, सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।